हेलो गाइस, मैं हूं आशुतोष। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। UGMSC 2020 का जो एडमिशन प्रोसेस था वो खत्म हो चुका था और जो वैकेंट सीटें बची हुई थी उस पे मॉकअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया था, जिसका मेरिट लिस्ट भी 3 तारीख को आ गया था। उस PDF का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके आप वहां से यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया था UGMSC 2020 मॉकअप राउंड के लिए तो अपना नाम देख सकते हैं। यदि आपका रोल नंबर उसके अंदर है यानी UGMSC ID आपका है तो आप एलिजिबल हैं UGMSC 2020 मॉकअप राउंड के लिए। साथ ही आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी 12,000 के आसपास का बनवा कर ले जाना है, तो वो सारी चीज़ें आप उस PDF में पढ़ लेंगे। साथ ही जो वैकेंट सीटें हैं, कितनी वैकेंट सीटें हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि UGMSC 2020 में मॉकअप राउंड के लिए कितनी सीटें वैकेंट है किस कॉलेज में। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्रोम टैब ओपन कर लेंगे और उसमें BCEC बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, अभी सबसे लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ अपने चैनल पर, इसीलिए आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए होगा तो टेक्निकल इंजीनियर को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे देखिए, अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन है UGMSC 2020 मॉपअप काउंसलिंग ऊपर में ही दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे हमारा खुलकर आ जाएगा। तो जो गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उसके अंदर देखते हैं कि कितने सीटें खाली हैं। तो PMCH पटना, जी हाँ, PMCH पटना में केवल 2 सीटें SC कैटेगरी में खाली हैं। तो यदि कोई चाहता है कि उसको दूसरे कैटेगरी में एडमिशन मिल जाए तो उनके लिए कोई फायदा नहीं है। PMCH में MBBS के लिए केवल 2 सीटें SC के लिए खाली हैं। वहीं DMCH लहरिया सराय में कोई सीटें खाली नहीं है। JLNM भागलपुर में आपका 1 सीट SC कैटेगरी में खाली है। वहीं NMCH पटना में MBBS के लिए, ये सब कुछ अभी जो मैं बता रहा हूँ MBBS के लिए है, 1 सीट SC के लिए खाली है और 1 सीट ST के लिए खाली है। उसके बाद आप देखेंगे SKMCH मुजफ्फरपुर, ANMC गया, इन दोनों में तो कोई सीट खाली नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं IGIMS पटना में, तो IGIMS पटना में 1 सीट ST कैटेगरी से खाली है। फिर GMC बेतिया में देखते हैं, तो MBBS के लिए GMC बेतिया में 1 सीट खाली है SC पोस्ट पे, और VIMS पावापुरी और JKTMC मधेपुरा, इसमें MBBS के लिए कोई पोस्ट खाली नहीं है किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में। उसके बाद देखते हैं PDC पटना में BDS के लिए 3 सीटें खाली हैं आपकी जो SC कैटेगरी के लिए हैं, और 5 सीटें खाली है EBC पोस्ट पर, 2 सीटें खाली हैं BC के लिए और 3 सीटें खाली हैं EWS पे। तो सबसे ज़्यादा अभी BDC पटना में ही दिखाई दिया हमको सीट खाली। इसके आगे देखते हैं BVC पटना में, तो BVCH और NAH में आपका जो है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें 18 अनरिजर्व पोस्ट खाली है आपका। इसके बाद SC में 5 है, ST में 1 सीट खाली है, EBC में 8 सीट खाली है, BC में 5 सीट खाली है, 1 सीट RCG में खाली है और 5 सीट आपका EWS में खाली है। इसके बाद हम करते हैं बात प्राइवेट और मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के बारे में। तो MBBS के लिए यह देखिए, MGMMC किशनगंज में आपका MBBS के लिए 28 अनरिजर्व पे केवल खाली है, उसके बाद कोई सीट इसमें वैकेंट नहीं है। यहाँ पे फिर KMC कटिहार में MBBS के लिए 25 सीटें अनरिजर्व पे खाली हैं। उसके बाद NMCH सासाराम में आपका MBBS के लिए 72 अनरिजर्व कैटेगरी में आपका सीटें खाली हैं। उसके बाद आपका बात करें मधुबनी मेडिकल कॉलेज में, तो ये भी MBBS में 105 सीटें खाली हैं। इसके बाद लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सहरसा, इसमें भी 88 सीटें अनरिजर्व पोस्ट पर खाली हैं। इसके बाद है आपका नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बेटा MBBS में, इसमें भी 89 सीट्स अभी वैकेंट हैं। बात करें वहीं पे बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस यानी BDS में आपका जो प्राइवेट कॉलेज है, इसमें बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल पटना में जो है उसमें 85 सीट खाली है। वही सरजू डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लहरिया सराय में जो है BDS में 32 सीट खाली है, और मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में BDS में आपका 45 सीट्स खाली है। वहीं बात करते हैं BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल में, तो उसमें भी BDS में आपका 40 सीटें खाली हैं। तो ये रहा हमारा प्राइवेट एंड गवर्नमेंट
कॉलेजेस के जो वैकेंट सीट थे उनके एनालिसिस मॉप अप राउंड के लिए, जिसका एडमिशन होने वाला है 8 जनवरी 2021 को, यानी कि परसों। यदि इससे रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सबसे पहले हम आपको ये खबर आपके पास पहुंचाएंगे। धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना बहुमूल्य सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।